हेलो एवरीवन, दोस्तों देखिए आज 31st of October 2024 है, दीपावली भी है और आज मेरे लिए भी बड़ा स्पेशल डे है और साथ ही साथ जो हमारी सक्सेस की शुरुआत जो है दोस्तों बहुत पहले हो चुकी थी लेकिन अभी एक्चुअल में असली शुरुआत बाकी है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे जरूर आप ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले आप सभी को, जितने भी हमारे इंडिया के फाउंडिंग मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी इंडियंस लोग हैं, उन सभी को सबसे पहले तो भाई यहाँ पर बहुत बहुत सारी मुबारकबाद शुभकामनाएं कि आज भाई दीपावली है। आई होप कि आप लोग सब इंजॉय करने वाले अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और मेरे लिए जो स्पेशल डे क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज ही के दिन मतलब 31 अक्टूबर, लेकिन साल कुछ और था, वो था 2020। इसी दिन जो है मेरी एंट्री हुई थी ऑन पैसिव के अंदर और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मेरी जर्नी जो है, अभी 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं आज। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी सारे फाउंडिंग मेंबर का, हमारे व्यूवर्स का, सब्सक्राइबर का और पूरे दुनिया में जिस तरह से आप लोग जो प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसमें जो है देखिए कहानी जो एक्चुअल में होती है, सक्सेस की कहानी ऐसे नहीं मिलती आपको कभी भी। हम रातों रात किसी भी चीज में हिट नहीं हो सकते और मुझे भी 4 साल हुए दोस्तों, ऐसे ही नहीं हो गया। उसमें बहुत सारा जो है काम भी किया है और बहुत सारी चीजें, कई सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं। उसके बाद में जब जाकर के हमारे यहाँ पर जो है मेरा यूट्यूब चैनल पर लगभग अभी 98K+ सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसका सारा क्रेडिट जो है आप सारे लोगों को जाता है कि वो लोग मुझे सुनते हैं। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले का इंपॉर्टेंस यहाँ पर होता है, तो इसके लिए आप सबको मैं थैंक यू बोलूंगा। और ये सफर इतना आसान नहीं था। देखिए 31 अक्टूबर 2020 को जो है मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो अपना कंप्लीट किया था लेकिन $97 जो मैंने दिए थे 10 नवंबर 2020 को और 11 नवंबर 2020 को अपना पहला वीडियो डाला था और अभी 3,500 से भी ज्यादा वीडियो मैं इसमें अपलोड कर चुका हूं। और इसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं लगातार पिछले 4 साल से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उनका मैं थैंक यू बोलूंगा। और पहली बार जो हमने शो शुरू किया था वॉइस ऑफ ऑन पैसिव, मरहूम हमारे इद्रीस मोदी साहब जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ में मैंने अपना एक शो शुरू किया था, उन्हीं की राय पे मैंने वॉइस ऑफ ऑन पैसिव शुरू किया था जो इंडिया का पहला टॉक शो था और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था। उसके बाद बहुत से लोगों ने फिर बाद में अपने शो शुरू कर दिए थे बट पहला ही होता है, तो थैंक यू आपका कि आप लोगों ने उसमें भी बहुत प्यार दिया था। और उसके बाद में लगातार मैंने यहाँ पे काम करते गया और पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो उसका सारा क्रेडिट जो है उन लोगों को जाता है जो हमारे साथ जुड़े रहे, खासकर ऑन पैसिव का मिस्टर ऐश मुफारे साहब का, जिन्होंने इतनी बढ़िया एक कंपनी हमें जो है दी है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि इतना टाइम हो गया है, 4 साल हो गए ऑन पैसे में, यहाँ पे 5-6 साल ऑन पैसे में हो गया है, किसी को भी यहाँ पर पैसा नहीं आया। देखिए कई लोग ऐसी अफवाह भी उड़ाते हैं कि जो यूट्यूबर्स को और जो हमारे बहुत सारे ऐसे कुछ लीडर हैं उनको पैसा दिया गया है, तो बड़ी पुरानी अफवाह है, कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी किसी ने बोला, उसके पहले भी बोला कि हर साल बोला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे मैं हूं, कोई भी लीडर हो, सबके लिए ऑन पैसिव एक जैसा है। बस कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट किए, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें अलग से कुछ पैसा दिया गया है या कुछ दिया गया है। यहाँ पर सबने अपने एफर्ट लगाए, यूट्यूब पैसा देता है बहुत ज्यादा, आप काम करोगे तो यूट्यूब आपको उसका पैसा देता है, इसमें कोई शक नहीं है, तो काम करिए। जिन जो लोग बोलते हैं अरे ये है आप तो यूट्यूब से पैसा कमा लेते हैं, उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे रातों रात सब कुछ नहीं जो हो जाता है। और इसी तरह से हमारा सफर शुरू हुआ दोस्तों, तो ये सफर जो है आगे भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। और आपको मैं बता दूं, अभी लास्ट जो हमारा पॉपअप आया था, अभी कल जो पॉपअप हमें देखने को मिला था, उसमें साफ कह दिया गया है कि दिस वीक में अपडेट आएगी, न्यू अपडेट हमें देखने को मिल जाएगी, तो उसका वेट कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि इस पॉपअप से जो है कुछ नहीं होगा, खाली पॉपअप ही आते रहते हैं, तो पेशेंस रखिए। जब हमने इतने टाइम तक पेशेंस रखा है ऑन पैसिव में, तो सोचिए यहां पर क्या आगे और होने जा रहा है। और आज की डेट में देखिए सक्सेस की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं कि भैया फलानी कंपनी में होते तो सक्सेसफुल हो जाते, ये कंपनी में इतने साल करते तो ये होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम और आप कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी कंपनियों में कई सालों तक, बरसों तक मेहनत की, उसके बाद भी पाया कहां पर, वहीं पर घूम फिर के वहीं पर आ गए। मतलब एक दाल रोटी चल गई या उससे अपना कुछ थोड़ा बहुत पैसा आपने बना लिया होगा, बहुत सक्सेस का रेशो बहुत कम देखने को मिला है। बहुत सारी कंपनियों में हमने काम किया, राइट, लेकिन ये क्योंकि ऑन पैसिव ना कोई MLM कंपनी है, ना कुछ जो ट्रेडिशनल टाइप की कंपनी है उस टाइप की कंपनी है, ऑन पैसिव कुछ डिफरेंट कंपनी है। और इसी वजह से जो है इसमें टाइम लग रहा है कि इसके अंदर अभी आप जो रेवेन्यू नहीं बना पा रहे हैं या इसके अंदर पैसा कब आएगा, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। देखिए अगेन मैं बोलूंगा यहां पर कि सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है, बड़ी सक्सेस पाने के लिए थोड़ा बड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने जो है
यहाँ पर इंतजार किया है, उसी का ये फल है कि आज जिस पहले हम छोड़ गए थे आज से 3-4 साल पहले ऑन पैसे को, 6 साल पहले जैसा देखते थे, उससे ज्यादा बेहतर ऑन पैसे हुआ है। और ये अभी जस्ट शुरुआत है, आपको मैं बता दूं, अभी शुरुआत भी नहीं बोलेंगे, जब हमारा ब्रांड न्यू ओईएस आएगा एक्चुअल में उससे रियल और शुरुआत होने वाली है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ऑन पैसे में लोगों ने पैसा नहीं कमाया है, जिन लोगों ने थोड़े से एफर्ट्स डाले थे, अपना थोड़ा सा टीम क्रिएट किया था, उन्हें यहां पर 100% जो है काफी अच्छे यहां पे बोनस वगैरह कमीशंस मिले हैं, लेकिन आगे भी जो है बहुत सारे बेनिफिट होने हैं। यहां पे टीम का मैटर नहीं करेगा, यहां पर ऑन पैसे में आप इन हो गए थे, आपने अपना पैकेज बाय किया था, आप यहां पे एज ए फाउंडिंग मेंबर जुड़े थे, आपका सक्सेस की कहानी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन आपने ऑन पैसिव को जो है ज्वाइन किया था। और अगर आपको मैं आगे की बात बताऊं तो डेफिनेटली अभी जो हमारा नेक्स्ट फेस होगा, मतलब फेस 2 होगा, वो बहुत ज्यादा और जबरदस्त शानदार होने वाला है। कई लोगों ने पूछा है कि कितने फेस होंगे, तो देखिए अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन 1-2-3 फेस ये तो होने ही होने हैं, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा इसके फेस आते जाएंगे 1-2-3-4-5। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो फेस है हमारा नेक्स्ट फेस, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे जहां तक लगता है कि हमारा जो पॉपअप गया है अभी लास्ट वाला, जिसमें बताया गया है कि यहां पर दिस वीक में हमें न्यू अपडेट मिलेगी, तो चांसेस काफी हद तक यहां पर यही है कि इसमें नेक्स्ट फेज की बात हो सकती है या इसके अंदर कुछ बेहतरीन चीज हमें बताई जाए, ना सिर्फ पॉपअप आए बल्कि हमारा ब्रांड न्यू ओईएस भी आ सकता है। तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब हम थोड़ा और सब्र रखेंगे, धैर्य रखेंगे, और बड़ी कंपनियों में सक्सेसफुल होने में बहुत टाइम लगता है, जिन कंपनियों को 10-10, 15-15 साल लग गए थे टॉप पे आने में, और ऑन पैसिव को अगर यहाँ पे 6 साल हो गया है तो हमें कोई इसमें हैरानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी का विजन, मिस्टर ऐश का जो विजन है, किसी और कंपनी से मिलता जुलता नहीं है बल्कि कुछ अलग है। और पहले जो कंपनियां होती थी आज से 10-12-15 साल पहले, जो कंपनी टॉप पे जाती थी उन्हें जाने में वक्त लगता था, लेकिन अभी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो अब चीजें ज्यादा बेहतर और तेजी से होने वाली है। तो यहां पर अगर 6 साल हुआ है, डोंट वरी, जस्ट कीप पेशेंस, और आपको यहां पर बने रहना है सब ऑन पैसिव के साथ में, और फैंटास्टिक अपडेट डेफिनेटली बहुत सारी आएंगी। 24 हमारे लिए जबरदस्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 25 अमेजिंग से भी अमेजिंग होगा। तो अगेन डेट एंड टाइम पे मत जाइए, हम एक ऐसी कश्ती में सवार हैं जिसमें 100% आपकी सक्सेस लिखी हुई है। तो बने रहिए ऑन पैसिव के साथ में, जुड़े रहिए ऑन पैसिव के साथ में, और पूरे दिन को एंजॉय कीजिए। तो बाय बाय गाइज एंड लव यू ऑल।